और बताइए भानु जी, कितना समय लगेगा हम लोग को पहुँचने में? टोटल किलोमीटर आज हम लोग करने वाले हैं 190 किलोमीटर। तो 190 किलोमीटर का एवरेज क्या होने वाला है इस गाड़ी का वो दिखाएंगे आपको, टॉप स्पीड आपको दिखाएंगे कि इस गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है। और ढाबे पे हैं, आई मीन ममता ढाबे पे हैं, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड जो है रोड बनने वाला है। रात के टाइम अगर मेरे जैसे इंसान हो, रात में आपको कम दिखता है ना, तो फिर दिक्कत है। 4 लेनिंग ऑफ रजौली टू बख्तियारपुर। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में लेकर जा रहे हैं आपको सतसोरा अपनी गाड़ी से, बिकॉज छोटा सा एक लॉन्ग ट्रिप हो जाएगा इसके ऊपर। 190 किलोमीटर की टोटल जर्नी होगी हमारी, 190 किलोमीटर का अप डाउन होगा। तो चलो दिखाते हैं आपको कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है हाईवेज पे, और माइलेज क्या निकल के आता है, और हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है इस गाड़ी की। तो चलो देख चलते हैं आपको फिर हाईवेज पे। सो गाइस, अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए, बिकॉज गाड़ी में तेल थोड़ी कम थी, तो इसी बहाने माइलेज भी चेक कर लेंगे इसका कि माइलेज क्या निकल के आ रहा है अभी। चलो बढ़ाते हैं फिर। सो गाइस, पेट्रोल भर के हो गया है और हम लोग जा रहे हैं अभी सक्सोरा के साइड, और साथ में दिखाते हैं कि मेरे साथ एक मेरे ऑफिस का कलीग भी है, नाम है इसका भानु। हेलो, हाय चंद्र भानु, हाउ आर यू? एवरीबॉडी इज गुड। सो लेकर चल रहे हैं आपको आगे और दिखाते हैं इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है हाईवेज पे, बिकॉज 190 किलोमीटर अप डाउन मिला के हो ही जाएगा, तो हाईवेज की स्टेबिलिटी आपको दिखाते हैं और फिर माइलेज भी पता चल जाएगा इस बारे में। एसी में जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसी मैंने ऑन कर रखा है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और टोल पे मिलते हैं फिर आपसे अभी। सो गाइस, जस्ट हम लोगों ने अभी टोल क्रॉस किया है और रास्ता काफी क्लियर है, ट्रैफिक नहीं है, आई होप ना मिले। और बताइए भानु जी, कितना समय लगेगा हम लोग को पहुँचने में? जी, यहाँ से आपको बख्तियारपुर लग जाएगा कम से कम 45 मिनट। ठीक है, और उसके बाद बख्तियारपुर से हरनौत ट्रेन का डिब्बा का जो कारखाना है वो होते हुए बेलछी थाना होते हुए हम लोग सक्सोड़ा पहुँचेंगे। कम से कम बख्तियारपुर से 40 मिनट वहाँ से भी लगेगा। अच्छा, इतना देर में हम लोग अपने। सो गाइस, टोल क्रॉस करने के बाद अभी जस्ट हम लोग आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं और रास्ता क्लियर है हमेशा की तरह, रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बट नथिंग इज़ कि एवरेज ज़्यादा अच्छा निकालना है इस गाड़ी से, तो फिर ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे हैं, 60-65 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। ए, मिस्टर आकाश जी ड्राइव कर रहे हैं road, especially on highways, his concentration level is high on highways. So we done around 20-25 kilometers petrol भराने के बाद, और अभी कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिली है गाइस, कम्प्लीटली रास्ता क्लियर है, रास्ता भी बहुत अच्छा है जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। किलोमीटर से कह दूँगा अभी बख्तियारपुर यहाँ से 25 किलोमीटर्स है। रुकने का कोई प्लान तो नहीं है, बट शायद रुकेंगे बिकॉज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो चाय वाय पियेंगे यहाँ पे रुक के, उसके बाद फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। रास्ता काफ़ी अच्छा है गाइस, अपडेट बता दूँ आपको, बहुत रेडीमेड रास्ता है, कहीं भी हम लोग को ट्रैफिक नहीं मिला है। तो जाना एक्चुअली हम लोग काफ़ी आगे बख्तियारपुर से आगे, तो लेकर चलते हैं सीधा आपको आगे, और रोड का अपडेट भी देते रहेंगे साथ ही साथ कि बाढ़ के साइड हर नॉर्थ के साइड रास्ता कैसा है। तो चलो फिर आगे देखकर चलते हैं, इससे पहले चाय पियेंगे यार, रुकते हैं नहीं। हम लोग 30 किलोमीटर चल चुके हैं अपने घर से नहीं, पेट्रोल पंप से, और यहाँ पे फिर अभी बख्तियारपुर में रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, उसके बाद फिर जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। टोटल किलोमीटर आज हम लोग करने वाले हैं 190 किलोमीटर। तो 190 किलोमीटर का एवरेज क्या होने वाला है इस गाड़ी का वो दिखाएंगे आपको, थोड़ा बहुत
इसको खींचेंगे, टॉप स्पीड आपको दिखाएंगे कि इस गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है। और हाईवे पे परफॉर्मेंस अभी तक का बहुत अच्छा है, मतलब स्टेबल है, शॉर्ट हाइटेड है, तो चिपक के चल रही है गाड़ी, थोड़ा भी वॉबल नहीं कर रही है। तो आगे निकल चलते हैं, आगे दिखाते हैं वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें। चलो फिर आगे। अभी हम लोग हैं करौटा मंदिर में, काफ़ी फेमस मंदिर है, रास्ते में ही पड़ता है, तो यहाँ पे पूजा मतलब दर्शन करके यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। मंदिर दिखा दूँ गाइस, बता दो आपको, एक शक्ति पीठ है, तो अगर आप पटना की तरफ से आ रहे हो तो ममता ढाबा के जस्ट 2 किलोमीटर पहले मिल जाएगा आपको ये मंदिर, और यहाँ पे आके आप पूजा वगैरह कर सकते हो, पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग बख्तियारपुर ढाबे पे हैं, आई मीन ममता ढाबे पे हैं, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस शायद 50 किलोमीटर और हमें यहाँ से ड्राइव करना, और यहाँ चाय वाय पी के फिर निकलेंगे आगे, तो मैडम पटना रेलवे स्टेशन चलते हैं आपको थोड़ा आगे। और सो गाइस अभी हम लोग NH 30 पे हैं, और यहाँ से बरौनी है 70 किलोमीटर एंड पूर्णिया इज 251 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। सो गाइस पहुँच गए हम लोग बख्तियारपुर, एक्चुअली जाना हम लोग कहाँ के है, बट यहाँ पे फिर से चाय पीने का मन हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे कुल्लड़ वाली चाय मिलती है, और कुल्लड़ वाली चाय को इग्नोर कैसे कर सकते हैं यार, तो बैठ के चाय पीते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ेंगे। रुकावट के लिए खेत है पलट गई, किरण जाना है, अच्छा उस वाले पे पीर वाला जहाँ पे बोल बम लगा हुआ है, इधर लगा दे क्या? हाँ इधर लगा दीजिए, मौसम ठंडा। सो गाइस चाय पीने के रुके हम लोग, चाय पी रहे हैं अभी, थोड़ा सा बिकॉज नींद आ रही थी थोड़ी बहुत, और यहाँ पे फालतू कर दिया हमने। सो गाइस अभी जस्ट हम लोगों ने क्रॉस किया है बख्तियारपुर, और यहाँ पे देख सकते हैं बख्तियारपुर से जस्ट क्रॉस करके, ये कौन सा रोड है भाई? ये हरनौत का रोड है। हरनौत का रोड है ना, तो ये वाला रोड जो है वो देख रहे हैं कि चौरा हो रहा है, 4 लेन टाइप बनेगा ये, तो आने वाले टाइम में आपको रोड काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इधर। और जाम की स्थिति जो यहाँ पर वैसे नहीं लगती है, बट स्टिल अगर जाम की स्थिति कभी होगी भी तो वो फ्यूचर में सही हो जाने वाली है, बिकॉज रोड जो है इधर बन रहा है, देख सकते हैं आप, जगह जगह पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो आपको थोड़ा संभल के चलाना चाहिए। रात के टाइम में अगर मेरे जैसे इंसान हो, रात में आपको कम दिखता है ना, तो फिर दिक्कत है, अदरवाइज़ अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाता है। यहाँ पे जा रहा है लेजेंडर, मौसम का हाल कुछ ऐसा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, अभी बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए। देख सकते हैं कि दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड जो है रोड बनने वाला है, और रोड काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। अरे यार कुत्ता, रोड नहीं, ये 6 लेन रोड बनने वाला, 6 लेन रोड बनेगा, कंफर्म हो? नाइस। तो राइट नाउ वी हैव डन अराउंड 52 किलोमीटर एज ऑफ नाउ, और यहाँ से और भी आगे जाना है हम लोग को, टोटल ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर हो जाएंगे एक साइड से। जगह बताते हैं वो कहाँ है अभी हम लोग, तो चेरो करके एक जगह है, अभी एग्जैक्टली वहीं है, 4 लेनिंग ऑफ रजौली टू बख्तियारपुर, तो कुछ ये कंडीशन है रोड की। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक है इस तरीके का पैच, वैसे आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज लग नहीं रहा है मुझे बहुत ज़्यादा दूर तक। तो ये आ गया वीर कुंवर सिंह चौक, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे हम लोग, स्ट्रेट उसके बाद फिर लेना है हम लोग को लेफ्ट, तो आ जाएगा एक हरनौत स्टेशन रोड है ये भी। ओके गाइस आपको हम साथ में अपने ले तो जा रहे हैं, लेकिन आप एक काम कर दो प्लीज़, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो, बिकॉज जितनी भी अपडेट्स आएंगी ना उस चैनल पर आपको मिल जाएगी। फ्यूल की कंडीशन दिखा दें आपको, ऐसी है, किलोमीटर्स मैंने चलाया है आई थिंक अराउंड 56 किलोमीटर हो गए अभी तक, बहुत ज़्यादा मैंने तेज़ नहीं चलाया यार, 70-75 मैक्सिमम मैंने चलाया इसको, ताकि एक अच्छा इकोनॉमी मिल जाए। हरनौत स्टेशन है ये बाय द वे, और यहाँ पे एक यार्ड भी है ना शायद कुछ, वहाँ बनता है ट्रेन का डिब्बा, अच्छा वहाँ बनता है कारखाना है, अच्छा ट्रेन कारखाना है, ट्रेन का, अच्छा हाँ है तो है तो उसका कारखाना। दोस्तों यहाँ पे
ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ट्रेन बनता है, ट्रेन का जितना ही वैगन्स है ना यहीं पे बनते हैं। सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत, देखिए कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत। यहाँ पे रोड थोड़ी सकड़ी है इसलिए जाम लग जाता है, और रेलवे फाटक भी है उसके कारण भी थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है इधर। वैसे इतनी दूर चलने के बाद भी मुझे थोड़ा भी थकावट फील नहीं हो रहा है, बहुत कंफर्टेबली जा रहा हूँ। यहाँ पे अपना काम करेंगे, ऑफिस का कुछ काम है, ऑफिस का काम करके फिर यहाँ से निकलेंगे और कहीं भी वीडियो को एंड भी कर देते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हैं आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो एनीवेज मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।